Hey, what's up guys, Bhagyesh here, back again with another video. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वेबसाइट्स या तो YouTube के ऊपर एडवर्टाइज को जो आपको दिखाई जाती है उसे आप कैसे परमानेंटली स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया है जिसका नाम है csharpstation.com। तो यहाँ पे आपको एक ऐड शो कर रही है पोस्ट के अंदर, और जो दूसरा ऐड है आपको यहाँ पे राइट साइड में साइड बार के अंदर शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक दूसरा ऐड भी शो कर रहा है। तो इस तरह के सारे एड्स को आप कैसे परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको YouTube के अंदर जो एड्स दिखाए जाते हैं उसे आप परमानेंटली कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो जब भी आप YouTube के किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो आपको इस तरह से वीडियो के अंदर एड्स देखने को मिल जाते हैं, तो इस एड को भी आप इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे जो राइट साइड में साइड बार में एड्स दिख रहा है उसे भी आप परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो गाइस, यहाँ पे हम एड्स को ब्लॉक करने के लिए एड ब्लॉकर को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एड ब्लॉकर को आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है और उसे कैसे सेटअप करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम लोग फायरफॉक्स या तो गूगल क्रोम को यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ब्राउजर में करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फायरफॉक्स के अंदर करके दिखाऊंगा कि फायरफॉक्स के अंदर आप एड ब्लॉकर को कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो इसे एनेबल करने के लिए आपको सिंपली राइट कॉर्नर के अंदर चले जाना है। राइट कॉर्नर में आपको थ्री डॉट जैसा सिंबल देखने को मिल जाता है जिसका नाम होता है ओपन मेनू, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको एडऑन्स के अंदर चले जाना है, और इसे ओपन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ए है। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और ए को प्रेस करते हैं तो आपको डायरेक्टली एडऑन्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है uBlock origin, और इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। एंटर बटन को प्रेस करते ही आपको यहाँ पे कुछ सर्च रिजल्ट शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है uBlock origin, इसे आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहां से इसे ऐड टू फायरफॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये यहां पे आपको कुछ परमिशन के लिए पूछ रहा है, तो इसे आपको सिंपली यहां से ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करते ही ये यहां पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और यहां पे आप टूल बार के अंदर इसका लोगो देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली यहां पे ऐड हो चुका है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो जैसे कि यहां पे आप YouTube के ऊपर अभी फिलहाल एड्स देख सकते हैं, तो यहां पे मैं एक बार YouTube के पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि मुझे अभी कोई एड्स शो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो इसने सीधा 6 ऐड को डिटेक्ट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। तो अभी यहाँ पे 6 ऐड थी बैकग्राउंड में, तो इन सभी ऐडों को इसने ब्लॉक कर दिया। तो लेट सपोज यहाँ से मैं किसी भी एक वीडियो को ओपन करके दिखाता हूँ, और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अभी फिलहाल कोई एड्स यहाँ पे शो नहीं कर रही। तो गाइस, इस तरह से आप किसी भी ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक जो वेबसाइट थी csharpstation.com, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे एक ऐड शो कर रहा था, और यहाँ पे राइट साइड में साइड बार में भी ऐड शो कर रहा था, और तो यहाँ पे बॉटम में आर्टिकल के अंदर भी आपको एक ऐड शो कर रहा था। बट अभी यहाँ पे कोई ऐड शो नहीं कर रही, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अभी 8 ऐड को ब्लॉक कर दिया है। तो गाइस, इस तरह से आप मोजिला फायरफॉक्स के अंदर एड ब्लॉकर को ऐड करके एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप इसे गूगल क्रोम के अंदर कैसे एड ब्लॉकर को एनेबल करके एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे राइट कॉर्नर के अंदर कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम का ऑप्शन शो कर रहा होगा, और यहाँ पे थ्री डॉट शो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ से आपको चले जाना है मोर टूल्स के अंदर एक्सटेंशन के अंदर, और एक्सटेंशन के अंदर आने के बाद आपको सिंपली यहां से मेन मेनू का ऑप्शन शो कर रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां से क्लिक करना है ओपन क्रोम वेब स्टोर। इसे यहां पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक वेब स्टोर ओपन होगा, और यहां से आपको एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना है, और यहां से आपको टाइप करना है uBlock origin। तो यहाँ पे आपको uBlock origin ad blocker शो कर रहा है सर्च रिजल्ट में, इसे आपको सिंपली यहाँ से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको फिर से ये परमिशन पूछ रहा है, तो सिंपली यहाँ से आपको ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ से ऐड कर देना है।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू ब्लॉक ओरिजिन यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जैसे कि यहाँ पे हम आपको youtube.com को ओपन करके दिखाता हूँ, तो गाइस जैसे कि आपने अभी देखा कि मुझे अभी यहाँ पे एक ऐड शो कर रहा था, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि एड ब्लॉकर ने यहाँ से सीधा उस एड को ब्लॉक कर दिया। सो गाइस इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं और काफी अच्छे से सर्फिंग कर सकते हैं और आपको वहां पे कोई भी एड्स शो नहीं करेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको फ्यूचर में इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, दिस इज भागेश साइनिंग ऑफ।